वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारी ये आज की एक स्पेशल क्लास थी, है ना। तो आज की स्पेशल क्लास में मैंने आपको कहा था रिवीजन करके आनी है और फिर हम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक एक चुनेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। और मुझे खुशी है जान के कि आज आपके कोई भी डाउट नहीं है। बट एक टॉपिक जो मैं सबको डिस्कस करते हुए देख रही थी वो ये था कि वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। किसी के पास एक पॉइंट है, किसी के पास दो और किसी के पास तीन। आज हम इस क्लास में इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और शायद इस क्लास के बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स देखो, सब कॉन्टिनेंट वर्ड को पहले समझना है। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स किसी बड़े से कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब किसी रीजन को सब कॉन्टिनेंट हम कब डिक्लेयर करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट डिक्लेयर करने के पीछे भी सेम रीजन होगा, जैसे और बाकी रीजन्स के लिए एक रूल है वैसे इसके लिए भी रूल होगा। पर सबसे पहले आप इसके थोड़ा सा अर्लियर क्लासेस में जो आपने पढ़ा है कि इंडिया था क्या चीज, उसके पे थोड़ा सा एक नजर आपको जो है ना फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा कि इंडिया बेसिकली जो है ये हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक का केस था ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत बड़ा एक लार्ज लैंडमास था, फिर वो दो टुकड़ों में टूटा, फिर फर्दर स्प्लिट होता गया, फिर फर्दर स्प्लिट होता गया, तो फिर वो बाद में बिखरते गए, उनकी ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई डिवीजन होने के बाद में। और उस ड्रिफ्टिंग की वजह से जो आज हमारा वर्ल्ड मैप में जो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, जो ओशनिक बॉडी दिखती हैं, वो सब उस ड्रिफ्टिंग की वजह से फॉर्म हुई है। इतना तो क्लियर था। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इंडिया पहले एशिया का पार्ट नहीं था एट द टाइम ऑफ ड्रिफ्टिंग। वो क्या था कि जब इंडिया का जो लैंडमार्क था, इन हिस्टोरिकली अगर हम उसे देखेंगे तो वो क्या था, एक इंडिविजुअल लैंडमार्क था और उसको हम कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ड्रिफ्ट होते 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 इंडियन प्लेट कहां जाके कोलाइड हो गई, एशिया के साथ। और एशिया के साथ टकराने से उसमें क्या फॉर्म हो गए, हिमालयस। ऐसा ही है ना, हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, इनकी जो फॉर्मेशन आती है वो ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट। और आज भी हिमालयस स्टिल दे आर ग्रोइंग, व्हाई, बिकॉज दैट प्लेट इज स्टिल मूविंग, है ना। अब एशिया क्या है, बहुत बड़ा लैंडमास है, वो बहुत बड़ी प्लेट है, तो उसके साथ आपको पता होगा कि बड़ी चीज के साथ जब छोटी वाली चीज जब टकराती है तो क्या हाल होता है, वही हाल हो रहा है यहाँ पर एशिया के साथ। एशिया जैसे इतने बड़े कॉन्टिनेंट के साथ इतनी छोटी सी प्लेट जो है इंडिया की जब टकरा रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हिमालयस फॉर्म हुए थे और आज की हिस्ट्री यही है कि हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग, दैट मींस आवर प्लेट इज स्टिल मूविंग। अब हमारी इंडिया को पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ एशिया ये माना जाता है। अब टू डिक्लेयर इंडिया या टू कॉल इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट, इट मस्ट हैव दैट इन दैट पर्टिकुलर रीजन मस्ट हैव डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकली पॉलिटिकली एंड मस्ट हैव डिफरेंट जियोग्राफिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये क्राइटेरिया है किसी रीजन को सब कॉन्टिनेंट मानने के लिए कि ये सब कॉन्टिनेंट है। अब इंडिया के पास यानी कि तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, वी मस्ट हैव डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, वी मस्ट हैव डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड वी मस्ट हैव डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। पहले डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को समझते हैं कैसे। देखो, ये जो हमारा इंडिया है ना,
ये हमारे इंडिया के पास नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। कौन से नेचुरल फ्रंटियर्स कौन से हैं हमारे पास? फ्रंटियर्स हैं हमारे पास हिमालयस। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हिमालयस, ये आपको याद हो गया होगा कि यहाँ तक हिमालयस हैं। फिर यहाँ से हिंदू कुश है, ये हिंदू कुश माउंटेन जो है ये भी हमें यहाँ पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान से, ठीक है ना। मतलब अफगानिस्तान और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान रीजन है यहाँ हिंदू कुश माउंटेन्स है। तो ये हिंदू कुश माउंटेन की वजह से जो अफगानिस्तान जो हमारा लैंड नेबरर है अफगानिस्तान, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट वाले केस में से अलग हो जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल फ्रंटियर्स हिमालय की वजह से चाइना हमारे जो कि लैंड नेबरर है वो यहाँ से निकल जाता है, फिर यहाँ से कट जाता है। और यहाँ से जो है हमारे ये अरक्कन हिल्स हैं, अरक्कन माउंटेन्स जो हैं या अरक्कन हिल्स कह लो या अरक्कन माउंटेन्स, इनकी वजह से क्या कट जाता है? म्यांमार। म्यांमार जो हमारे लैंड नेबरर है ये भी कट जाता है। तो तीन कंट्रीज जो है अफगानिस्तान, चाइना और म्यांमार, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं बन पाते। बट रेस्ट ऑफ द लैंड नेबर्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारे नेबरिंग कंट्रीज, तो हमने उसमें अफगानिस्तान भी पढ़ा था, हमने उसमें चाइना भी पढ़ा था और म्यांमार भी, ये तीनों निकल गए। अब इसके अलावा हमारे पास कौन से कंट्रीज रह रहे हैं? देखो हमारे पास रह गया है पाकिस्तान, इंडिया खुद, ठीक है, नेपाल, भूटान, यहाँ पर आता है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, फिर यहाँ पर आता है हमारा श्रीलंका और यहाँ पर आता है हमारे पास लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स। सो वी हैव सेवन कंट्रीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब हमारे पास ये सेवन कंट्रीज रह गए ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी की वजह से ये तीन कंट्रीज हमारे पास कट जाते हैं। और हमें क्या यहाँ से देखो, ये हिंदू कुश माउंटेन्स, ये हिमालयस, कराकोरम रेंजेस वगैरह, ठीक है, वहां से ये हिमालयस, ये अरक्कन माउंटेन्स, तो ये हमें प्रोटेक्ट करके रखे हुए। और फिर यहाँ पर आ जाती हमारी कोस्ट लाइन, ठीक है, इसमें हमारा श्रीलंका, ये गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्टेड है, ये मिनिकॉय के बाद मालदीव्स हमारे साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से क्या है, ये ज्योग्राफिकल फीचर्स ही हैं जो हमें डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देते हैं। ये एक हो गया, यानी कि माउंटेन्स हम इसे कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर माउंटेन्स, हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर में? माउंटेन्स। सेकेंड इज ग्रेट गंगेटिक प्लेन, ठीक है, गंगेटिक प्लेन की वजह से हमारे पास क्या है, एरिया कैसा है? फर्टाइल है, फर्टाइल एरिया होने की, फर्टाइल लैंड होने की वजह से ये सपोर्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन को, और लार्ज पॉपुलेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर जो है हम लोग यहाँ पर इस लैंड मास पे ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा, यस, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यही मिलेगा आपको। और देन थर्ड है हमारे पास डेजर्ट, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है हमारे पास। देन हमारे पास फोर्थ है डेक्कन पेनिनसुला रीजन जो है, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। ये आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि जो डेक्कन प्लेटू रीजन है वो पेनिनसुला इंडियन ओशन में प्रोट्रूड हो गया, और वो प्रोट्रूड होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे सी रूट्स थे वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और उसी की वजह से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आज काफी रिच है, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ हमें ग्रो करने में काफी आसानी होती है। सो ऑल दीज फीचर्स, ऑल दीज क्वालिटीज बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, ये पहली शर्त पूरी हो गई है ना। सेकेंड क्या है, डिस्टिंक्ट That region must have distinct political identity. बिल्कुल ठीक है, हम लोग जो है इंडिया में हम सेवन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ सेवन कंट्रीज जो है वो जुड़ी हुई है इस एज अ सब कॉन्टिनेंट बनाने के लिए हमें। वो हमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। इन सेवन कंट्रीज को
हमारे साथ एज अ सब कॉन्टिनेंट बनाने में ये हमें सपोर्ट करती हैं, ठीक है। देन थर्ड इज कल्चरल आइडेंटिटी। इस बात को आप जुटला नहीं सकते, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। इंडिया के पास डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है। कैसे है आप सबको पता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे नेशन में, वो कैसे है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं हमारे पास, और हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से रहते हैं आपस में सभी कंट्री। तो हमारा इस अच्छे से रहने की वजह से पीस बना रहता है और हमारे कमर्शियल लिंक्स स्ट्रांग होते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग इंजॉय करते हैं एक कॉर्डियल मल्टी डायमेंशनल रिलेशन विद ऑल, ठीक है। सो ये तीन क्राइटेरियाज हैं जिनको कि हमारा रीजन सेटिस्फाई करता है, इंडिया सेटिस्फाई करता है, दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। हमारा जो लैंड फ्रंटियर है, देखो आपने ये पहले पढ़ा है, हम लोग ग्लोबली 2.4% लैंड कैप्चर करे हुए हैं, जिसमें कि हमारे पास 15,200 किलोमीटर की तो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, लैंड फ्रंटियर जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास 7,516 किलोमीटर जो है वो कोस्ट लाइन है। इतना बड़ा लैंड मास होने की बावजूद हमारे पास इतनी बढ़िया ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, जिसमें हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, फिर हमारे पास अपने कल्चरल आइडेंटिटी है, और फाइनली इन सब को मर्ज करके हम लोग क्या कहला रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या कहला रहा है, सब कॉन्टिनेंट, ये सब खासियतों की वजह से, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके बाद आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया को, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट का क्राइटेरिया क्या है, किसी रीजन को सब कॉन्टिनेंट कब कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो है इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री, किसके साथ, इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है, एंड दैट इज योर बांग्लादेश, ठीक है। अगर हम वेस्ट कोस्ट लाइन की बात करते हैं, वेस्ट कोस्टल कोस्ट लाइन, तो सबसे ज्यादा शेयर करता है, लार्जेस्ट जो है वो गुजरात शेयर करता है, और अगर हम ईस्ट कोस्ट लाइन भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ईस्ट कोस्ट लाइन में कौन सा रीजन ऐसा है जो सबसे ज्यादा अपना लैंड बाउंड्री कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर है हमारे पास आंध्र प्रदेश। मैप में देखें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज स्पेशल क्लास। हालांकि गुजरात वाला केस सबको लगभग क्लियर था, बांग्लादेश और आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, वो मैंने क्लियर कर दिया। ये कोस्टल लाइन जो है ईस्ट कोस्ट में शेयर करता है और ये वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक मैं मैप आपको दिखा रही हूँ, उससे जो आपका अभी मैंने आपको समझाया है कि अरकन हिल्स कहाँ है, अभी एक स्टूडेंट ने लिखा है मैम अरकन हिल्स तो दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखा रही हूँ मैं आपको मैप में कि हिंदू कुश पर्वत और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के बीच में जो वो हिंदू कुश माउंटेन्स है वो कैसे हैं, हिमालयस कैसे हैं और अरकन हिल्स कैसे हैं, वो मैं आपको इस मैप में दिखा रही हूँ। तो आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर ले, एक बार देख ले, मैप आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद कोई डाउट रह नहीं जाता, ठीक है।